नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अंकुश वास। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर में मौजूद हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सर्किट हाउस में जन सुनवाई करेंगे। इसके बाद होटल में ही मीडिया से संवाद भी करेंगे। तो मेवाड़ और वागड़ के दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, आज तीसरा दिन है उनके दौरे का। ऐसे में उदयपुर में उनका रात्रि विश्राम हुआ। उदयपुर में मुख्यमंत्री इस वक्त मौजूद हैं और सर्किट हाउस में जनसुनवाई करेंगे और उसके बाद होटल में ही मीडिया से भी संवाद करेंगे। ये तस्वीरें आपको कल की दिखा रहे हैं, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे थे डूंगरपुर के दौरे पर। उस दौरान उन्होंने महंगाई राहत कैंप का जायजा लिया। इसके साथ ही बड़ी संख्या में लोग जो उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे, उनसे उन्होंने मुलाकात की। और आज क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, वो जानने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अविनाश जगदावत फोन लाइन पर। अविनाश, आज तीसरा दिन है सीएम के दौरे का, बताया जा रहा है जनसुनवाई भी सीएम करेंगे। आपसे पूरी विस्तृत जानकारी चाहेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले आज मुख्यमंत्री के? जी बिल्कुल, देखिए जो कार्यक्रम है वो दो दिन के कार्यक्रम थे और वो दो दिन में पूरे हो गए। आज क्योंकि रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का उदयपुर में था और जहाँ पे भी मुख्यमंत्री होते हैं वहाँ पे जनसुनवाई जरूर करते हैं और लोगों की समस्याएं सुनते हैं और किस तरह से उनका समाधान हो पाए उसकी जो है अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हैं। और इसी कड़ी में सर्किट हाउस में सुबह करीब 10 बजे के आसपास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनसुनवाई करेंगे और उसके बाद में मुख्यमंत्री का पत्रकारों के साथ होटल लेकेंड में संवाद कार्यक्रम भी है। उस दौरान मुख्यमंत्री मीडिया कर्मी जो भी रहेंगे वहाँ पे उनसे संवाद करेंगे और उसके बाद में जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर के लिए रवाना होंगे। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण ये मेवाड़ वागड़ का दौरा था और इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महंगाई राहत कैंप का अवलोकन किया, लोगों से बात की और साथ ही साथ एक नया जो इस विजिट में जो चीज जुड़ी वो था कि कार्यकर्ताओं से संवाद। कार्यकर्ता ही वो है, वो कड़ी होती है जो कि मतदाताओं के पास में जाके वोट मांगती है। और कल जब मुख्यमंत्री यहाँ पर कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि आपके कंधों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि लोगों के बीच में सरकार की तमाम योजनाएं लेके, सरकार की बात को लेके, पार्टी के एजेंडे को लेके आप लोगों के बीच में जाएंगे और अगर कार्यकर्ता मजबूती के साथ ग्राउंड पे उतरता है और लोगों के बीच में जाता है तो कहीं ना कहीं जो रिपीट होने की बात की जा रही है, सत्ता में वापसी की बात की जा रही है, वो आसान होगा। तो कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जनता से जुड़ने के साथ किस तरह से पार्टी के नेताओं को एकजुट किया जा सके और कार्यकर्ताओं में किस तरह से उत्साह भरा जा सके उसके प्रयास भी अपने दौरों के अंदर कर रहे हैं, जिससे कि 2023 के चुनाव में पार्टी फिर से सत्ता में वापसी कर सके। बिल्कुल बिल्कुल अविनाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।